अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सऊद तारिक इज़ हेयर, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर। अच्छा, इस सेकेंड लेक्चर का मैंने सोचा है कि पूरा दो घंटे का लेक्चर जो है वो आपके सामने ना रखा जाए, उसको एक हाईलाइट वर्जन जो है उसका एक शॉर्ट वर्जन जो है वो मैंने सामने रख दिया है। ठीक है जी, पहले ही क्लास में जो बातें हुई इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, और फिर सेकेंड क्लास में जो आज हमने बातें की हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि एक समराइज वर्जन आपके सामने रख दिया जाए ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। रियल लाइफ में जो आज हमने क्लास रखी थी इसमें काफ़ी टाइम हमने डिवोट किया था, अच्छा खासा टाइम प्रैक्टिस के लिए डिवोट किया था, तो वो टाइम मैं यहाँ पे लेक्चर में आपका जो है वो बचा लेता हूँ। ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी, पिछली क्लास में हमने कुछ बातें शुरू की थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, हेल्प रन द बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इस पर काफ़ी डिटेल बात हुई पहले लेक्चर में, यूट्यूब पर आपको मेरा पहला लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीन कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट के, बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, मटेरियल डायरेक्ट कौन सा होता है, इस पर बात हुई थी कि फैब्रिक, कोई अगर कपड़ा बन रहा है तो प्लास्टिक, अगर कोई मार्कर बन रहा है, ठीक है ना, वुड, अगर कोई दरवाज़ा बन रहा है, बटन पर भी बात हुई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, लेबर कॉस्ट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कारपेंटर आ जाता है, जिससे हम लेट्स से डोर बनाना चाह रहे हैं, डोर बनवाना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, इस पर काफ़ी बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि जो इन दो के अलावा कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरहेड्स, फॉर एग्जांपल रेंट, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सारी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, फिर हमने मज़ीद आगे बात की थी डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ट्रेसेबल होती हैं, आइडेंटिफाइबल होती हैं सिंगल प्रोडक्ट में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं होती ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, ये भी बात डिटेल में हुई। इनडायरेक्ट मटेरियल में हमने कहा था कि ऐसा मटेरियल जो नॉन ट्रेसेबल है ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट में कितना मटेरियल लगा ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे शर्ट की एग्जांपल हमने ली थी ना लास्ट टाइम, कमीज़ की एग्जांपल ली थी कि शर्ट में फैब्रिक तो डायरेक्ट मटेरियल है, फैब्रिक, मगर जो थ्रेड है, धागा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, कि एग्जैक्ट कितने रुपये का धागा लगा ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। ठीक है ना, पॉलिश, फॉर एग्ज़ाम्पल कितना पॉलिश आती है ड्रम्स में ना, तो कितने रुपए की पॉलिश लगी एग्जैक्टली एक चेयर को पॉलिश करने के लिए, एक दरवाजे को बनाने में और दरवाजे को पॉलिश करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है यार। तो ये चीज़ जो है वो हमारी ओवरहेड होती है। इनडायरेक्ट लेबर में याद होगा सिक्योरिटी गार्ड पे बात हुई थी, वो लेबर जो हमारी फैक्ट्री का तो पार्ट है मगर प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कैंटीन का जो कुक था हमारा, शेफ़ था, ठीक है, शेफ़ ज़्यादा अच्छा वर्ड है, और सुपरवाइज़र को भी हम कह सकते हैं, जिसका काम सुपरवाइज़ करना होता है, फर्म में जाएंगे तो भी आपको सुपरवाइज़र्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो लेबर है जिसको आप नहीं आइडेंटिफाई करते, सिक्योरिटी गार्ड का काम जो है वो एक प्रोडक्ट को सिक्योर करना नहीं है, वो तो भाई पूरी फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है। आप मार्कर्स बन रहे हैं उस फैक्ट्री में, पेन बन रहे हैं उस फैक्ट्री में, ठीक है ना, कलर पेंसिल्स बन रही हैं उस फैक्ट्री में, तो उन सबको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लोग जो हैं, सिक्योरिटी वाले लोग देख रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, किसी एक पेन में, किसी एक मार्कर में, किसी एक कलर पेंसिल में इसकी कॉस्ट डिटरमिन करना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि मटेरियल लेबर तो आसान था। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्राइम कॉस्ट हमने कहा था सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता था, डायरेक्ट लेबर आता था, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर ही बात हुई थी, रॉयल्टी वगैरह, फार्मा की मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अगर कोई फार्मूला शेयर होता है तो हर प्रोडक्ट पर आपको कुछ ना कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या थी भाई, कुछ याद आ रहा है, कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इसमें लेबर आ जाता था और ओवरहेड आ जाते थे, ये भी हमारी लास्ट क्लास में बात हुई। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने कहा था विच वेरीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा, प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट कम, ठीक है, कस्टमर ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा, कस्टमर कम तो कॉस्ट कम, पेशेंट ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा, पेशेंट कम तो कॉस्ट कम, लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ यूनिट्स कहना अधूरा होगा, फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ एक्टिविटी में जो है वो ब्रॉडर टर्म है, पेशेंट्स आ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, पैसेंजर्स आ सकते हैं एयरलाइन के लिए, ठीक है ना, और यूनिट्स वगैरह तो आते ही हैं, तो जितना लेवल ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा होगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ है तो भी वेरिएबल है, जितना लेवल ऑफ एक्टिविटी कम होगा उतनी कॉस्ट कम होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल डिस्कस हुई थी पहली क्लास में, मटीरियल था, ठीक है ना, लेबर था, और हमारे पास ओवरहेड्स था, नहीं ओवरहेड्स में भी कौन सा वेरिएबल ओवरहेड खाली, ठीक है ना, और फिक्स कॉस्ट के बारे में हमने कहा था विच रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द
लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा आगे बढ़ेंगे यार, ताकि कुछ काम की बात हो, तो जो बातें तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अच्छा ये बात हमने जो है वो आज की क्लास में शुरू की थी, सेकेंड क्लास में, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप का मतलब क्या है? स्टेप का मतलब है सीढ़ियाँ, घरों में स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, तो बिल्कुल सीखना है ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट पहले 10,000 था और बाद में ये बढ़ के 13,000 हो गया। जो 10,000 था वो 5,000 यूनिट्स तक के लिए था, आप रीड करें इसको। और जैसे ही 5,000 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल और सुपरवाइज़र की कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टाफ ज़्यादा कर देते हैं। तो स्टेप कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट 10,000 थी, कब तक ये फिक्स कॉस्ट चल रही थी? कब तक? 5,000 तक। जैसे ही 5,000 से यूनिट ज़्यादा होंगे तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13,000। तो हम कह सकते हैं कि एक रेंज तक ये फिक्स रहती है, फिर अचानक बढ़ जाती है, फिर अगली रेंज तक वापस फिक्स रहती है। अचानक बढ़ना प्रैक्टिकली में नज़र आता है कि कभी इन्फ्लेशन की वजह से, तो कभी एग्रीमेंट चेंज होने की वजह से फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ रही होती है। रेंट इसकी पेश है, बेस्ट एग्जांपल है। तो ऐसी कॉस्ट जो अचानक बढ़ जाए, देखें आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ी, इकट्ठी बढ़ी, एक साथ बढ़ी, तो ऐसी कॉस्ट को हम स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अच्छा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आज की क्लास में सीखी और आगे पूरे कोर्स में चलेगी। यार वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को पहचानने का ना रास्ता बड़ा आसान सा रास्ता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि अगर 1,000 यूनिट हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 5,000 है, ठीक है ना। इसका मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 5,000/1,000। तो अगर यूनिट 1,001 हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक से बढ़ जाता है, +1 हो गए यूनिट्स, तो इसका मतलब कॉस्ट भी अगर प्योर वेरिएबल है तो 5 रुपये से बढ़नी चाहिए, 5 रुपये से लाजमी बढ़नी चाहिए। और अगर यूनिट एक से कम हो जाता है तो कॉस्ट भी क्या हो जानी चाहिए? 5 से कम हो जानी चाहिए। अगर ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक किसी में है कि एक यूनिट ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा, एक यूनिट कम तो कॉस्ट कम, उतने से ही एग्जैक्ट सही, तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बट आप फिक्स कॉस्ट को देखें, चाहे 1,000 यूनिट्स हो, चाहे 1,000 एक यूनिट हो, चाहे 999 यूनिट्स हो, हर केस में कॉस्ट क्या है? सेम, फिक्स्ड, ठीक है ना। चाहे यूनिट बढ़ जाए चाहे यूनिट कम हो जाए, कॉस्ट सेम ही रहेगी। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट की निशानी हुई कि एक यूनिट भी अगर चेंज होगा तो कॉस्ट चेंज होगी, एक यूनिट भी चेंज होगा तो कॉस्ट को हमें चेंज करना होगा। अच्छा ग्राफ कैसे बनता है जी, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, इस पर क्लास में बड़ा डिस्कशन हुआ। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ मैं डायरेक्ट बनाता हूँ बगैर किसी सस्पेंस से। क्लास में मैंने बड़ी लोगों से बात की भाई कैसे बनना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, यूनिट्स एंड कॉस्ट। और मैं फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, जिनका मिस हुआ है उनके लिए स्पेशल ये लेक्चर बनाया गया है। मैंने कहा चलो 2 घंटे का काम आपका जल्दी हो जाएगा, मगर आगे से आपने लाइव ही अटेंड करना है इंशाल्लाह हमारी लाइव क्लासेस दोपहर में, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है कि फिक्स कॉस्ट हमने डिसाइड कर लिया कितनी है, तो सीधा कर लेते हैं 5,000 है। तो चाहे यूनिट्स 1,000 हों, चाहे यूनिट्स मिसाल के तौर पर 2,000 हों, चाहे यूनिट्स 3,000 हों, ये कॉस्ट तो क्या रहेगी? ये कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, यूनिट और ज़्यादा हो रहे हैं तो कॉस्ट और ज़्यादा हो रही है, यूनिट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, डायरेक्ट लिंक है। और यूनिट ज़ीरो है तो कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, ऐसी नेचर वेरिएबल कॉस्ट की होती है। अच्छा अब ज़रा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बना लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे, पर यूनिट है, पर यूनिट तो सेम थी ना, 5 थी ना, चाहे 1,000 यूनिट्स हो तो भी 5 थी पर यूनिट। मैं पिछली स्क्रीन पर अगर मैं लेके जाऊँ आपको, देखें 5, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी पर यूनिट निकालें 5 आएगा, यहाँ भी 5,005 को 1,001 से डिवाइड करें 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे बन रही होती है, पर यूनिट सेम रहती है, पर यूनिट हाँ टोटल में चेंज होती है। अच्छा टोटल कॉस्ट पर यूनिट को छोड़े, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती रहती है, पर यूनिट ना टोटल में सेम रहती है। टोटल में मिसाल के तौर पर 5,000 फिक्स कॉस्ट है, तो अगर आप मिसाल के तौर पर 1,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट आएगी 5, अगर आप मिसाल के तौर पर 5,000 यूनिट बनाएंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी 1। तो जितने यूनिट ज़्यादा होंगे उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी, उतने ज़्यादा यूनिट पर स्प्रेड होगी। ख्याल है मैं बात टोटल की नहीं कर रहा, मैं पर यूनिट की कर रहा हूँ, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ भी इसीलिए डाउनवर्ड बनता है, ठीक है ना, डाउनवर्ड बनता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट गिर रही होती है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट गिर रही होती है, तो आंसर यही आता है। नॉर्मली ये ग्राफ पेपर में नहीं आते मगर
पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि यार कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी एरिया पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, तो हमारे एरिया को कवर करेंगे चाहे आसान हो या मुश्किल हो। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के लिए अगेन मैं कहूँगा पर यूनिट सेम रहती, पर यूनिट, हाँ टोटल में चेंज होगी, जितने यूनिट ज़्यादा तो रेवेन्यू ज़्यादा, मगर पर यूनिट सेलिंग प्राइस मिसाल के तौर पर हमने मान लिया 10 रुपये, तो पर यूनिट सेम रहेगी, पर यूनिट, ठीक है ना। वैसे टोटल सेल्स बढ़ती रहती है, वैसे टोटल सेल्स अगर वैसे नहीं बनता, वैसे टोटल सेल्स अगर वैसे बनता है कि यूनिट ज़्यादा तो कॉस्ट तो रेवेन्यू भी ज़्यादा, यूनिट ज़्यादा तो रेवेन्यू भी ज़्यादा, मगर पर यूनिट जो है वो सेम ही रहता है, पर यूनिट जो है वो सेम ही रहता है। अच्छा, जल्दी से मुझे बता दें क्या लगता है आपको कि ये आंसर बता दें इसका क्या है। पॉज करें वीडियो को, आप पॉज कर सकते हैं, लाइव सेशन में तो मैंने उनको टाइम दिया था, पॉज करें वीडियो को, मुझे बताएं आंसर। आगे आंसर, रॉयल्टी क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है नो, डायरेक्ट एक्सपेंस है यस, बी इज द राइट आंसर। तो इस पर मैंने 2-3 मिनट दिए थे क्लास को, पढ़ा, उन्होंने आंसर दे दिया। ओवरहेड नहीं है जी, एडमिन ओवरहेड नहीं है, रॉयल्टी ट्रेसेबल है, देखें पर यूनिट, एक यूनिट पे ट्रेस हो सकती है, आइडेंटिफाई हो सकती है। तो अगर यूनिट ज़्यादा होंगे तो 30 सेंट्स के सबसे ज़्यादा रॉयल्टी पे होगी, अगर यूनिट्स कम होंगे तो 30 सेंट्स के सबसे कम होगी, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस की निशानी होती है कि यूनिट ज़्यादा, तो वेरिएबल भी कह सकते हैं और डायरेक्टली ट्रेसेबल है, ट्रेसेबल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट के लिए, जो पहली क्लास में बात हुई और आगे भी पूरी सेशन चलती रहेगी। अच्छा, बी का 2 आंसर बताएं, वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं, मैं आपका आंसर लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट लेबर। आगे आंसर, ये भी बी है, ठीक है ना, ए जो है वो डायरेक्ट लेबर होगा क्योंकि असेंबली डायरेक्ट इनली इन्वॉल्व है, डायरेक्ट असेंबली वाला बंदा, प्लास्टरर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ट्रेसेबल भी हैं, और कंसल्टेंट फर्म जैसे हम लोग ऑडिट फर्म में मिसाल के तौर पर हम हायर करते हैं लोग, तो हमारे लिए ये कॉज भी हमारे लिए डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर नहीं होती। पॉज करके वीडियो को देखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसमें से बताते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पॉज करें वीडियो और मुझे सोच के बताएं आंसर क्या, मैं आंसर बता रहा हूँ जी, आंसर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी है और डी भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी नॉर्मली फिक्स होती है, यूनिट ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा, ऐसा हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी बात बस मैं करता चलूँ डेप्रिसिएशन के बारे में, कि डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, क्या लगता है आपको कि डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है जी। डेप्रिसिएशन के बारे में इस पर मैंने बड़ा डिटेल डिस्कशन किया, लोगों के चैट बॉक्स पढ़ता रहा मैं कि लोगों के जहन में कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे। अच्छा, मैं क्लियर करता चलूँ, डेप्रिसिएशन में 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बात को मैं समझाऊंगा, या आज सुबह मैंने लाइव लेक्चर में भी एग्जाम्पल से डिस्कस की थी। मिसाल के तौर पर ऐसे 10,000 का है और इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैसे होगी इसकी, एज्यूम करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन और फिर एज्यूम करते हैं फिर रिड्यूसिंग, 20% है स्ट्रेट लाइन और एज्यूम कर ले रिड्यूसिंग का भी 20% है, तो हर साल 2,000 आ जाएगी, 10,000 का एसेट है ना ऊपर मैंने बताया 10,000 का, तो ये तो फिक्स लग रही है, चाहे यूनिट ज़्यादा हो कम हो, कॉस्ट तो ऐसा लग रहा है कि सेम ही रहेगी। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या हालात होंगे, पहले 2,000 आएगी, सॉरी फिर आई थिंक 1,600 हो जाएगी, फिर आई थिंक कितनी हो जाएगी, 1,280 हो जाएगी आई थिंक, ठीक है ना, 1,280 के बाद फिर हो जाएगी 1024 एंड फाइनली ये हो जाएगी 819। अच्छा, अब क्या लग रहा है रिड्यूसिंग के बारे में, आपको क्या लग रहा है, चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो ये वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, चेंज हो रही है तो ये वेरिएबल नहीं होनी चाहिए क्या। इस पर बड़ा डिस्कशन रहा, नहीं यार, अब सुनिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट्स पहले थे 1,000, फिर हालात अच्छे हुए यूनिट्स हो गए 1,500, फिर हालात थोड़े ख़राब हुए यूनिट्स हो गए 500, और फिर एक वक्त आया कि हमें कोरोना की वजह से अल्लाह ना माफ़ करे बंद करना पड़ गया लेट से, और आखिर में हालात बहुत अच्छे हो गए और हमारे यूनिट्स हो गए 2,500। आपको क्या लगता है, क्या डेप्रिसिएशन सेम रहेगी या चेंज होगी। अच्छा, इसमें तो कन्फर्म है, फिक्स्ड है, सेम रहेगी ना, 2,000 2,000 2,000, चाहे यूनिट ज़्यादा बने या कम बने, मगर आप रिड्यूसिंग में भी तो मुझे बताएं, यूनिट डबल ज़्यादा हो गए, 1.5 गुना हो गए, क्या डेप्रिसिएशन भी 1.5 गुना होगी, नहीं, डेप्रिसिएशन टस से मस नहीं होगी, यही रहेगी। यूनिट 3 टाइम्स कम हो गए, क्या डेप्रिसिएशन 3 टाइम्स कम होगी, नहीं, वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक, वो आपने पढ़ा है ना कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट,
तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो आपने तय कर लिया, जो एक दफ़ा डेप्रेशन का काउंट चलना शुरू हो गया, उसी पे ही फिर ये रिकॉर्ड होता रहेगा। एज्यूम जैसे डेप्रेशन जीरो हो गई तो भी डेप्रेशन रिकॉर्ड होगी अपनी जगह से, क्योंकि हमने सीखा आईएएस में कि एक बार डेप्रेशन का काउंटर चलना शुरू हो जाता है तो डेप्रेशन रुकती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बीच में रोक दें और आखिरी साल प्रोडक्शन ठीक ठाक ज़्यादा होगी तो मगर डेप्रेशन अपने हिसाब से रिकॉर्ड होगी। इट मीन्स कि ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के मुताबिक चेंज नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा चेंज हो रही नहीं हो रही, चेंज तो हो रही है, मगर लेवल ऑफ एक्टिविटी मीन्स लेवल ऑफ यूनिट्स कह लें फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब चाहे डेप्रेशन वेरिएबल, चाहे डेप्रेशन स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो, दोनों में फिक्स होगी। हाँ, एक सवाल आया था कि अगर आउटपुट मेथड होगा तो यस, आउटपुट मेथड में आप कह सकते हैं कि डेप्रेशन जो है ना वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। मगर प्रैक्टिकली मैंने भी काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह पे काम किया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, तो मैंने कभी आउटपुट मेथड नॉर्मली देखा नहीं है, तो प्रैक्टिकली इसलिए पेपर में भी आने के चांसेस कम है। बट यस, आउटपुट मेथड होगा तो वेरिएबल होगी, अदरवाइज यहाँ भी फिक्स्ड है, अदरवाइज़ यहाँ भी फिक्स्ड है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि वेरिएबल फिक्स में बायफर्केशन बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल फिक्स में बायफर्केशन ज़रूरी कहाँ कहाँ है? सीपी एनालिसिस एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, वहाँ पे इसकी बायफर्केशन की ज़रूरत है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में ये काम आएगा। फिर एक टॉपिक है जो कि शुरू में ही हमने पढ़ना है कुछ टाइम में, मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ ये वो एरियाज हैं जहाँ पे वेरिएबल और फिक्स को बांटना ज़रूरी होगा, तो इसीलिए वेरिएबल फिक्स की फ़र्क पहचान आपको अभी से होनी चाहिए है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं यार, इसका आंसर बता दें, वीडियो पॉज करें, मुझे आंसर बताएं। यस, वीडियो पॉज करते हैं आप, मैंने क्लास में लोगों को टाइम दिया था। तो अर्निंग्स आ रही हैं, सॉरी, अर्निंग्स हो जाएंगी कितनी, सबका आंसर सही आया था, 500 + 2 × 3000 = 6500, सब ने तकरीबन सही निकाला था। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा सोचें, तो इसका ग्राफ बनेगा जैसे, अच्छा एक टोटल कौन सा ग्राफ बनता है कि कुछ फिक्स्ड है, कुछ फिक्स्ड है, जैसे 500 फिक्स्ड है, और मतलब चाहे वो कुछ यूनिट भी ना बनाए, ज़ीरो भी बनाएगा ना। सरफराज, वो हो सरफराज हमारे फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान टीम के, ग्रीन से उनको हमने हाईलाइट कर लिया। खैर, और जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा होते रहेंगे, जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा सेल होते रहेंगे, वैसे वैसे इनका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त आएगा ये कमीशन 6500 हो जाएगा अगर हमारे यूनिट्स कितने हो गए। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा कि कुछ फिक्स पोर्शन भी है, कुछ वेरिएबल पोर्शन भी है, तो जो टोटल बनेगा एक्सपेंस वो वेरिएबल पोर्शन जो दो रुपये वो पर यूनिट, और फिक्स पोर्शन जो कि बिल्कुल कॉन्स्टेंट है 500 रुपये, उन दोनों को मिला के बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी बोनस निकालना है, सवाल को पॉज करके सुने और मुझे बताएं बोनस क्या लगे, बन रहा है, लग रहा है आपको बनेगा। पॉज करें और ख़ुद सोचें प्लीज़, क्योंकि ये लाइव सेशन में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हम रियल लाइफ में लोगों के आंसर में चैट के थ्रू पढ़ रहा होता हूँ और आइडिया हो रहा होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, इसमें बोनस के लिए 240 यूनिट में से पहले 200 माइनस करें, क्योंकि बोनस का मतलब है एक एक्स्ट्रा एफर्ट पर रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड 200 पे तो नहीं मिलेगा, 200 से ज़्यादा पे मिलेगा। तो 40 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, कितना आ गया, 120 बोनस है। अच्छा, ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई ग्राफ पे, एंड कुछ लोगों का गलत भी आया, इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा बिल्कुल भी नहीं। बोनस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 200 तक तो बोनस है ही नहीं, इट मीन 200 तक आप काम कर भी लोगे तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बोनस के लिए क्राइटेरिया क्या है, बोनस के लिए क्राइटेरिया है कि आपका कम से कम आउटपुट कितना होना चाहिए, कम से कम आउटपुट होना चाहिए 200 तक तो बोनस का खर्चा ज़ीरो। हाँ, 200 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर यूनिट पे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3 रुपए, हर यूनिट पे एक्स्ट्रा 3 रुपए मिलेंगे। अब मैं कहूँगा कि एक वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो रही है, कहाँ से, 200 के बाद से, 200 के बाद से, ठीक है ना, 200 के बाद से। अब क्या होगा कि यूनिट ज़्यादा तो अमाउंट ज़्यादा, और कितनी कॉस्ट हो गई, 120 हो गई, अगर हमारे यूनिट्स कितने हैं, 240 है। तो मैं ये कहूँगा कि इस रीजन में कोई बोनस नहीं है, ठीक है ना, नील डेड हुआ भाई ग्राफ, अचानक ग्राफ बढ़ गया। मैं इसको वापस ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये क्या कहते हैं, ऐसे था शुरू में, फिर ऐसे हो गया, 200 तक ऐसे था, 0 डेड था, और फिर 40 के लिए बाद में आपने ग्राफ ऊपर डाल दिया। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बात हो रही है, रिवीजन है, वीडियो पॉज करके पढ़ लें, सारी बातें वही हैं जो हमने देखी थी। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए ट्रेस का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी पीछे मैक्सिको में भी गुजरा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, जितनी इंस्पेक्शन कॉस्ट अगर आप पर यूनिट पे करें पर यूनिट, तो भी मैं कहूँगा ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही मानी जाएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो ओवरहेड होता है, नॉन ट्रेसेबल होता है, जैसे हमने बात की थी पॉलिश की, ठीक है ना, डेस्क में इस्तेमाल हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर भी नॉन ट्रेसेबल होता है, जैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल ली थी,
ठीक है ना, स्टेप रिवीजन है ये, ठीक है, हैंड आउट भी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह, इसका मैंने ग्रुप में शेयर किया था, आपने देखा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट, इसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है, सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट है कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस, यहाँ टाइप ऑर्डर हो गया, प्लस ओवरहेड्स, प्लस ओवरहेड्स लेबर में, और ओवरहेड को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कन्वर्जन कॉस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? विच चेंजेस विद द चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स नहीं, ठीक है ना। एयरलाइन के लिए नंबर ऑफ पैसेंजर होता है, स्कूल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, हॉस्पिटल के लिए नंबर ऑफ पेशेंट होता है, बिजनेस एक्टिविटी चेंज भी हो सकती है। एंड फिक्स के बारे में हमने कहा था कि रिमेन सेम ओवर अ रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, रेंज क्योंकि एक रेंज के बाद ये बढ़ती भी है। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, ये बात हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है लाइव में भी और आपसे एक रिकॉर्डेड में भी बात हो गई, मगर आपने लेना लाइव है आपसे, ठीक है ना, ये समझे हम लकी हैं कि आपके लिए छोटा सा मैंने एक हाईलाइट सेक्शन बना लिया। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देख रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिक्स कॉस्ट रिवीजन है सारी बातों का। क्वेश्चन और कमेंट्स आपके मुझे अलग से व्हाट्सअप कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है जी, ये हमारा काम खत्म होता है। अब हम जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट एजेंडे की तरफ, हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक हैंडआउट मैंने दिया था आपको, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी बातें वही हैं जो हमने पहले से कर ली हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें आपको वो नजर आएंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या सूरत हाल है, क्या होती है कॉस्ट, कितनी तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सारी बातें जो आपने मुझसे प्रेजेंटेशन में देखी थी। अच्छा, ये एक चार्ट होता है, ब्रेक इवन चार्ट ही मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पे, ये कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख लें, टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये भी बात हमने की थी सुबह, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे है ना डॉटेड, और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे, ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है जीरो से, जो हमने पीछे भी देखा था। अब टोटल कॉस्ट का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट में दोनों चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए और फिक्स भी चाहिए, ये क्या हो गया, वेरिएबल भी चाहिए और फिक्स भी चाहिए। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा टोटल कॉस्ट का, जैसे नहीं पीछे बना था वो डिविलियर वाले सवाल में बना था, नहीं सरफराज वाले सवाल में बनता, कि एक तो फिक्स कॉस्ट है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ कॉस्ट तो पे करनी हो, कुछ वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल का ग्राफ वैसे ऐसे था, और हमने क्या कि इकोनॉमिक्स में नहीं कर, शिफ्ट कर दिया इसको अपवर्ड, शिफ्ट कर दिया। तो मैं इसको मिटाता हूँ वापस से ताकि गड़बड़ ना रहे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज़, सेल्स का ग्राफ कैसे बनता है, सेल्स का, सेल्स कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से, तो ये सेल्स का ग्राफ है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी, ये ब्रेक इवन पॉइंट है दिस वन। अच्छा, इसके बाद क्या है, मिसाल के तौर पर ब्रेक इन पॉइंट है 1000, तो 1300 पे क्या होगा, 1300 पे, तो 1300 है, इस पर क्या होगा, प्रॉफिट है लॉस है, चेक करें, सेल्स ज़्यादा और इस पॉइंट पे 1300 पे कॉस्ट कम, तो इट मीन्स यहाँ तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट। बट अगर हम इस पॉइंट पे बात करें मिसाल के तौर पर 700 की बात करें, तो 700 पे क्या सिनेरियो है, 700 पे ये सेल्स कम है, ये सेल्स का ग्राफ चल रहा है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरे एरिया में लॉस आएगा। तो ये एक पूरा टॉपिक है सीपी एनालिसिस, वहाँ पे मैं डिटेल बात करूँगा ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से, बट इंट्रोडक्शन में ये बात होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ बात को कि सेल, देखो यहाँ से देख लेते हैं, ये सेल का ग्राफ है, ठीक है जी, और ये हमारा मिसाल के तौर पर कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है ना, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल प्लस फिक्स ना, वेरिएबल बी और फिक्स बी। तो ये जो पॉइंट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आगे जाओगे आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो सेल ज़्यादा है रेड और ये कम है ब्लू, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये एंड्रॉइड आपके पास मौजूद है, मैंने ग्रुप पर डाला था, और इस पॉइंट पे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो रेड सेल्स कम है
और कॉस्ट ज़्यादा है, ये जितना भी एरिया है ये आपका लॉस हो गया, ये आपका लॉस हो गया। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं, आपका साइनआउट मौजूद है जहाँ से आप जो है ये रेफ़र कर सकते हैं। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है जी, ये भी हमने आज डिस्कस किया था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगेन FAR1 में आपने पढ़ा हुआ आए थे, आई होप सो, मगर इट्स बेटर कि आपसे यहाँ भी बात हो जाए ताकि जो है हमारा एरिया कवर हो। जैसे मैंने आपसे कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं, हमने कोशिश करनी है कि हर एरिया पेपर में कवर करके जाएँ, चाहे ज़्यादा मार्क्स का हो चाहे कम मार्क्स का हो, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने पहली क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनाए थे जिस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है उस पर हम 100% भी चल जाएँ तो ठीक है, बट बाकी टॉपिक पर 100 नहीं 120 200% हमें एफर्ट देना पड़ेगा ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यार इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वही अब जनरल बातें जो आपने FA1 में पढ़ी हैं कुछ टाइम पहले या बहुत टाइम पहले, हो सकता है किसी का FA1 कुछ टाइम पहले क्लियर हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सब एक साथ ही हो जाएं, और ये टॉपिक जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे ये आगे जाके रिपीट भी होगा जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ेंगे और एंट्रियाँ पढ़ेंगे। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक टॉपिक है, आखिर में सिलेबस के दोनों में होगा, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वापस आएगा। अच्छा, अब पीरियडिक और परपेचुअल, तो पीरियडिक का मतलब क्या है कि वंस एवरी पीरियड जो है वो इन्वेंट्री वैल्यू होती है, और परपेचुअल के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कंटिन्यूस, जिसमें क्या बनता है, जिसमें स्टॉक लेजर कार्ड बनता है, जिसमें स्टॉक लेजर कार्ड बनता है। ठीक है ना, कैसे बनता है वो भी दिखाते हैं आपको। बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल आपको पता है, इन्वेंट्री वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। ठीक है ना, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आज सुबह लाइव लेक्चर में लिखा था। NRV कैसे आती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है ना, और कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है ना, कॉस्ट, और NRV का फॉर्मूला हमें पता है जो भी बात हुई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। देखिए एस्टिमेट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कल की क्लास में बात भी करूँगा, कल की क्लास आपने मिस नहीं करनी इंशाल्लाह। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, इस तरीके से आप जो है वो NRV निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मेथड हमें पता है दो होते हैं, FIFO और AVCO। लीफ ऑफ दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम पुराना स्टॉक पहले रिलीज़ करते हैं, वेटेड एवरेज में हम एवरेज निकाल के काम करते हैं। ठीक है, एंट्री हम बाद में देखेंगे जैसे मैंने आपसे कहा। ठीक है, ये आपका स्टॉक लेजर कार्ड है, स्टॉक लेजर कार्ड में क्या क्या आ रहा है, डेट आ रही है, रिसीट्स आ रही है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, डेट आ रही है, रिसीट्स आ रही है, इशू आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, डेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस। ठीक है ना, ये दीवार बनी है, समझे, ये दीवार बनी है। ठीक है, तो डी ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं बैलेंस में, और जो परचेज होता रहता है वो हम जो है बैलेंस में भी लिखते हैं, वो यहाँ भी लिखते हैं। तो मैं भी बनवा भी लेता हूँ, आप लोगों को आता भी है, मैं पीरियडिक में अलग काम होता है, परपेचुअल में अलग काम होता है। अच्छा, ये सवाल था जो मैंने क्लास में लोगों को करने को बोला, और लोगों ने क्लास में करने की कोशिश की, काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल सही कर लिया था। आप भी ये सवाल, मैं कहूँगा वीडियो पॉज करें, ये हैंडआउट में भी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 हैंडआउट में भी आपको मिल जाएगा, कौन से पेज में मिलेगा, ये पेज नंबर 18 में मिलेगा, देखिए पेज नंबर 18 में आपको ये सवाल नजर आएगा, तो आप हैंडआउट से भी देख सकते हो। और मैं चाहूँगा, और ये भी कर सकते हो कि इस वीडियो को पॉज करो और फिर चारों से काम करो, ABCD, FIFO से भी, AVCO से भी, और FIFO पीरियडिक से भी, और AVCO पीरियडिक से भी। अच्छा, आई होप वीडियो पॉज करके आपने कुछ काम कर लिया होगा, मैं ज़रा कुछ आगे बढ़ाता हूँ। अगेन जी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने लाइव सेक्शन लेना है, सेशन लेना है, ताकि ये सारी बातें आपसे साथ साथ हों और आपके आंसर्स मुझे फ़ौरन मिलते जाएँ और आइडिया भी होता जाए हम कितने पानी में हैं। अच्छा, परपेचुअल में आपको पता है क्या बनता है, परपेचुअल में आपको पता है कार्ड बनता है। ठीक है, और मैं परपेचुअल से पहले ये FIFO भी कर देता हूँ, चले AVCO भी कर देता हूँ। ठीक है ना, तो हैंडआउट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो मुझे आप व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं, हैंडआउट मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, अब इसमें स्टॉक लेजर कार्ड में सिनेरियो क्या है, ऐसा लग रहा है मेहंदा ही कलर है, इसको थोड़ा सही करते हैं। अच्छा, स्टॉक लेजर कार्ड में एक कॉलम आएगा डेट का, एक कॉलम आएगा परचेज का, एक कॉलम आएगा इशू का, और एक कॉलम आएगा बैलेंस का। ठीक है जी, ये कॉलम हमारे पास। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पे सवाल को फॉलो करूँ, ठीक है ना, तो सवाल कहाँ था, ये था, स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो आप सवाल का, ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर हैंडआउट है आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है, हैंडआउट में मैंने आपको पेज नंबर बता दिया,
कि जहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। कल की क्लास में ये टॉपिक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, और ओवरहेड्स का एक नया टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे, मगर अभी हम ज़रा इसको देख लेते हैं। तो ज़रा अगर आप इसको स्नैपशॉट ले लिया, मैं सॉल्व करता हूँ अगली स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है जी, कितना ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 1 फरवरी को? 1000। ठीक है ना, अच्छा इसमें यूनिट्स आते हैं, रेट आता है, अमाउंट आता है। ठीक है ना, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। ठीक है, तो 1000 हैं यूनिट्स, क्या रेट है इनका? 5 रुपये का रेट है। ये बन गया कितना? 5000। ठीक है, 1 फरवरी के बाद आपने जो अगली ट्रांजेक्शन की है वो की है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को आपने परचेज किया है कितना? 300, 5.5 के हिसाब से कितना बना? वहाँ तो बच्चे मुझे बता रहे थे, चलें 1650। और यही 1650 है जो एज इट इज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर 10 फरवरी के बाद 16 फरवरी को इशुएंस हुई है। अब चूँकि ये फीफो से करूँ तो पहले आपको कितने यूनिट निकालने हैं? आपको 800 निकालने हैं, तो पहले आप पुराने वाले निकालोगे। ठीक है ना, किस हिसाब से? ये क्या आ गया भाई, 800 निकालोगे किस हिसाब से? पहले पुराने वाले 5 वाला निकालेंगे पहले, ओल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, 4000। और बचे कितने? 200 बज गए। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? फिर 16 फरवरी के बाद 20 को वापस इशुएंस करनी है। तो 20 को वापस इशुएंस करनी है कितनी? 400 की। अब आप गौर करो, अगर 1000 में से कितने बच गए? 1000 में से 800 दे दिए तो सिर्फ 200 बच गए। 200 आप दोगे 5 के हिसाब से, और बाकी जो 200 आपको देने हैं, बाकी 200 वो आपको यहाँ से देने पड़ेंगे, 5.5 के हिसाब से देने पड़ेंगे। मैं रिपीट करता हूँ बात को, आपने 800 देने थे पहले, तो 800 आपने कहाँ से दिए? यहाँ से दिए, 1000 से दिए। ठीक है, मगर 800 देने के बाद भी 200 बच गए थे, फिर आपको इशू करना था 400। सवाल में आप जाएंगे ना, ये देखें आपको 400 इशू करना है। अब 400 जब इशू करना है 20 तारीख को, तो इसके लिए क्या हालात है? इसके लिए फिर आपको पहले 200 ये जो बचे थे पहले वो रिलीज़ करने होंगे, और फिर जो मजीद माल आया था 300 वाला उसको भी 5.5 के हिसाब से। तो बचा कितना अब हमारे पास इन्वेंट्री में? बच गया आई थिंक 200 नहीं, इन्वेंट्री में हमारे क्या बच गया? इन्वेंट्री में हमारे पास अब जो है वो ये तो ख़त्म हो गया पूरा, ये बच गया आखिरी वाला 100 बच गए 5.5 के हिसाब से, 550। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। अच्छा, फिर क्या करें 20 तारीख के बाद? 20 तारीख के बाद आप देखें वही काम हुआ, क्या हुआ? 24 को ख़रीदा गया, 24 को कितना ख़रीदा गया? 1000, 5.75 के हिसाब से, 5750। ठीक है, और फिर इसके बाद 24 के बाद 28 को आपने इशुएंस करनी है। तो अब जो 28 को इशुएंस होगी वो ऐसे नहीं होगी, फीफो है ना, तो पहले पुराना स्टॉक रिलीज होगा पहले। अब ये पूरा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं पूरा कर देंगे। फिर जो मज़ीद स्टॉक है ना, इसमें से आप जो है वो कितना रिलीज़ करेंगे? 650। आपको 750 निकालना है ना, कहाँ है 750? मैं आपको सवाल से दिखाता हूँ, देखें आपको 750 इशू करना है, 750 इशू करना है। 100 पुराना पहले इशू करेंगे, फिर 650, 5.75 के हिसाब से कितना बनता है? 3738 कर लें। ठीक है, तो फाइनली इन्वेंट्री में कितना बचा? फाइनली इन्वेंट्री में जो क्लोजिंग बच गया आपके पास वो बच गया 350, 5.75 के हिसाब से। एक क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का आंसर सही आया था, 350, 5.75 के हिसाब से 2012.5। ये हमने FIFO से कंप्लीट किया है। स्नैपशॉट ले लो चाहो तो, वीडियो पॉज करके इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन बात हो जाएगी। ठीक है, ये हमने क्लास में किया था। अच्छा, फिर उसके बाद इसी इतना हमने जो है वो AVCO से भी किया था। AVCO से कैसे किया? सॉल्यूशन देख लो। तो पहले हमने बैलेंस लिखा, ठीक है, 1000 × 5, 5000। फिर जो हमने ख़रीदा था वो एज इट इज़ देखो 1650, हमने यहाँ भी मैंने दिखाया था ना ख़रीदा था, तो यहाँ भी जो हमने ख़रीदा था 1650 वो एज इट इज़ बैलेंस में चला गया। मगर चूँकि AVCO है ना, AVCO, तो AVCO का मतलब क्या है कि हमें एवरेज रेट निकालना है। एवरेज रेट का मतलब ये नहीं है कि 5 + 5.5 इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये गलत है। दुनिया में सिंपल एवरेज नहीं चलता, दुनिया में क्या चलता है? दुनिया में चलता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज।
ठीक है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, ये टोटल कॉस्ट है ओपनिंग की और परचेज की, इन दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया कितने से, टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट कितने 1300, तो ये आ गया 5.115, तो इन दोनों की मदद से ये फिगर आई है, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया किससे, यूनिट से, तो जाके हमारे पास क्या आई, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब जब इशुएंस होगी 16 तारीख को, जो इशुएंस होगी 16 तारीख को, नहीं इशुएंस करनी थी 800 केजी, अब 800 केजी की जो इशुएंस होगी वो 5 पे नहीं होगी, 5 गलत है, अब 5 पे काम नहीं होगा, 5.5 पे भी काम नहीं होगा, अब जो काम होगा वो कितने पे होगा, अब जो काम होगा वो होगा जो आपने रेट निकालता, क्या रेट निकालता, 5.115 पे इशुएंस करेंगे, ये बना 4092, 1300 में से 800 माइनस करेंगे आ गया 500, 500 को 5.115 के हिसाब से आप जरा मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ बनता है 5258, ठीक है। और फिर 400 रिलीज़ करना था 20 तारीख को, 20 फेब को आपने 400 रिलीज़ करना है, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 20 फेब को, तो 20 फेब को आपने 400 कहाँ से रिलीज़ किया, अब अगेन देखिए 5 नहीं, ये डेड हो गया, 5.5 भी डेड हो गया, अब जो काम होगा 5.115 के हिसाब से होगा, तो अभी भी कितने बच गए, 500 में से 400 निकाल दिए तो 100 बच गए, 100 को 5.115 पे रिकॉर्ड किया, ठीक है ना, 5.115, और फिर उसके बाद आपने परचेज़ किया था 24 तारीख को 1000, 5.78 के हिसाब से 1000 परचेज़ किया था, सवाल में वापस चल के देखते हैं, ये रहा 5.778 के हिसाब से, तो 5.75 के हिसाब से, सॉरी 5.75 के हिसाब से, अपनी राइटिंग को मैंने गलत कर दिया यार, तो गलत है, इवन के 5750, ये एडेड एड हो गया इसमें, फिर दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रेट आ गया कितना, हमारे पास रेट आ गया 5.69, इन्वेंट्री अब जो आखिर में बचेगी 750 रिलीज़ करने में 350 यूनिट सेम आएंगे, तो वो बनेगी 5.69 के हिसाब से 1991.5। ये भी अलहमदिल्ला हमारे क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स ने निकाल लिया था लाइव सेशन के दौरान, ठीक है जी। तो मैं इसको ज़रा चाहो तो स्नैप ले लो, कॉपी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, यूजिंग एफको परपेचुअल, ठीक है। पीरियोडिक में काम थोड़ा छोटा है, पीरियोडिक में काम करना आसान है, पीरियोडिक भी देख लेते हैं। अच्छा पीरियोडिक में क्या होगा, पीरियोडिक में मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे नहीं करो, पीरियोडिक में आपको जो है वो अगेन अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक में पहले एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, मैं चलो आपके लिए सॉल्व भी कर लेता हूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा अगर रुपीज़ में बात की तो, यूनिट्स यूनिट्स इन सबको एडजस्ट करो तो क्या आता है, इससे आता है सेल्स इन यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा अगर रुपीज़ में होगा, शायद आपके जहन में आ रहा हो ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिखा, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल उसको होगा जब रुपीज़ में हो, अभी तो ये यूनिट्स में बात हो रही है, तो अगर मुझे इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ठीक है ना, तो कैसे निकालूंगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, नहीं माइनस क्लोजिंग को निकालना है तो क्लोजिंग को राइट साइड पे ले जाओ और सेल्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, माइनस सेल्स मैथ्स है ना, जो माइनस है राइट साइड पे जाके क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सेल्स अभी इटसेल्फ प्लस हुई हुई अभी फिलहाल, जब ये लेफ्ट पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये एक हमारे पास टेक्निक है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने के लिए, देखें कुछ सेंस बन रही, और लॉजिक भी है ना यार कि ओपनिंग में पहले परचेज ऐड कर दो तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, जो बिक गए वो माइनस कर दो, जो बिक गए चले गए, जो कस्टमर के पास चले गए, जो बच जाएंगे वो फिनिश गुड्स हैं। तो आप अगर सवाल में जाओ वापस से, तो आपके पास ओपनिंग कितना था 1000, ये हैंडआउट में है सवाल में से मैंने कहा ना, ठीक है आपने परचेज कितना किया 1300, 300 और 400, आपके पास ओपनिंग कितना है 1000, आपने परचेज कितना किया है 300 और 1000, ठीक है ना, और आपने बेचा है कितना है, आपने बेचा है, आप सवाल में जाएंगे ना, इशू कितना किया, इशू आपने ये किया 800 और 750 और 400 भी इशू किया, 800, 400 और 750, 800, 400, 750, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 यूनिट्स,
अभी ये यूनिट्स आ गए। अच्छा ये वो यूनिट्स हैं जो कार्ड में आए थे, ठीक है। अब फीफो से काम करना है। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कौन सा स्टॉक रिलीज होगा? पहले पहले पुराना, तो न्यूएस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन्वेंट्री। न्यूएस्ट आइटम शुड बी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो न्यूएस्ट मतलब हमारे पास तीन चॉइसेस हैं। एक मटेरियल हमारे पास 5 वाला है, एक मटेरियल हमारे पास 5.5 वाला है, एक मटेरियल हमारे पास 5.75 वाला है। कौन सा मटेरियल रीसेंट वाला कौन सा है, सबसे रीसेंट? नहीं यार ये तो इशू हो चुका होगा ना। फीफो का मतलब है पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर ये भी निकल गया होगा। बचा कौन सा होगा? ये वाला, सही है ना। पहले पुराना आउट होता है ना, पहले पुराना, फिर उसके बाद थोड़ा और पुराना, सबसे नया जो होगा वो स्टॉक में बचा रहेगा, क्योंकि हम पहले पुराना सारा माल रिलीज़ कर देंगे। तो इसलिए फिर 350 को क्या करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए 350 को मल्टीप्लाई कर दें 5.75 से, लेकिन डायरेक्ट वही आंसर आएगा जो हमारा कार्ड में आया था 2012.5। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, आसान चीज़ थी, आसानी से निकाल। अच्छा एफको में क्या हालात होंगे? एफको में निकलती यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल, अगर मैं बिल्कुल लेमन अप्रोच में बात करूँ, बिल्कुल लेमन अप्रोच में, यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट की कॉस्ट ना, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड होना चाहिए किससे? तो टोटल कॉस्ट किसकी? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक का निकालना है, ठीक है। डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेजेस इन यूनिट्स, ठीक है जी। तो ये एक तरीका होगा यूनिट कॉस्ट निकालने का। जब तक यूनिट कॉस्ट नहीं निकलेगी बात नहीं हो सकती। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक 1000 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 1000 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 5000। परचेजेस कितनी परचेज हमारे पास सवाल में? 3 है आई थिंक, दो, एक और दो। 300 5.5 के हिसाब से, 1000 5.75 के हिसाब से, ठीक है ना। 300 5.5 के हिसाब से, ये रहा 300, और 1000 5.75 के हिसाब से, डिवाइड बाई ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 1000 हैं और परचेजेस के यूनिट्स हमारे पास 1300 हैं। दस सॉल्व करें, देखें क्या आता है। ये हमने आई थिंक सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पर। तो यूनिट कॉस्ट आई थी कितनी? 5.39। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास हो जाएगा फीफो में, वो एफको में, इनटू वो कितने यूनिट से निकाल देना, वो तो 350 सेम ही रहेंगे। आप चाहो तो वापस कैलकुलेशन कर लो, ये कैलकुलेशन वैसे दोनों में सेम आएगी, बल्कि ये परपेचुअल में भी सेम आई थी, परपेचुअल में भी सेम आई थी। तो 5.39 को मल्टीप्लाई कर लें 350 से, 1886.5। ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? अंडर एफको। तो ये हमने जो है वो लास्ट में सवाल आज किया था, उसको तो देख लें, लास्ट मोमेंट्स रह गए हैं बस एक छोटी सी बात, फिर हमारी ये जो हाइलाइट्स टाइप का सेशन है ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये एक चीज़, फिर ये हमने बात कर ली, टू होमवर्क है भाई, आपने ख्याल करना है, करेंगे ठीक है ना। और टू के बाद फिर ये, अच्छा ये एक सवाल था ठीक है ना, जिसको मैं मिटा देता हूँ, अगर ये मिटता है तो मिट गया भाई। अच्छा एनआरवी और कॉस्ट में किस पे वैल्यू करना है ये आपने आइडेंटिफाई करना था, ठीक है ना। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ कि चार आइटम है और वो कह रहा है कि इन्वेंट्री में क्या वैल्यू होगा। अब पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री में वैल्यू होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी, लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी। तो कॉस्ट ये एन आर वी का फॉर्मूला होता है दिस माइनस दिस,
एनआरवी हम अगर निकालना चाहें, एनआरवी क्या आ रही है, एनआरवी इसकी आएगी 7300, इसकी एनआरवी आएगी 17800, इसकी एनआरवी आएगी 16800 और आखिरी वाले की एनआरवी आएगी 7350। तो पहले पॉज करें वीडियो को और मुझे सोच के बताएं कि एग्रीगेट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा या इंडिविजुअल आइटम वाइज होगा। तो हमारे लोगों ने फीडबैक दिया था कि इंडिविजुअल आइटम वाइज होगा, तो जब इंडिविजुअल आइटम वाइज होगा तो इट मींस के पहले ए को देखें, ए वन में कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है, क्योंकि मैं लोअर पे काम करना है, कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है, एनआरवी कम है तो एनआरवी सेलेक्ट हो जाएगी कितनी 7300। ए टू में चेक करें, ए टू में क्या ख्याल है, ए टू में हमारे पास कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है, कॉस्ट कम है, ठीक है ना, तो ए टू में 14000 कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा ए थ्री के लिए, बी वन के लिए कहानी क्या है, बी वन के लिए, बी वन के लिए कहानी है 16800 एनआरवी और कॉस्ट है 16000, तो आई थिंक कॉस्ट लोअर है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीडियो पॉज करके आपने इसको कर लिया सॉल्व, बट कोई मसला नहीं है, देखा था कुछ लोग बस वीडियो देखते जा रहे हैं और साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन सॉल्व करना है आपने, पता चल गया मुझे। अच्छा 7350 आपकी एनआरवी है और कॉस्ट है 6000, अगेन लोअर पर रिकॉर्ड करेंगे, टोटल कर लें सारी बातों का, तो टोटल इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 7300 प्लस 14000 16000 प्लस 6000 43300। दिस इज द फाइनल फिगर। इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, एग्रीगेट लेवल पे नहीं देखेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे आपने क्या देखना है, वो लोअर ऑफ कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, देखें ये छोटी छोटी बातें हैं मगर ये कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आगे देखें मैंने कहा ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जैसे आएगा। अच्छा अब ये सवाल है एक जो मैंने कल क्लास में स्टार्ट कराया था और मैं चाहूँगा कि ये सवाल जो है कल वापस से जो है वो क्लास में कराया जाए। तो ये जो बातें हैं ये हम कल इंशाल्लाह जो है मतलब 22 मार्च को हमारी क्लास है, ठीक है। वैसे भी तो रात हो चुकी है, 2 बज गए हैं रात के मेरे पास, तो इट मींस के आज ही समझ लें, तो 22 मार्च को हमारी क्लास है 3:30 to 5:30। अब आपने कोशिश करनी है कि लाइव क्लास में आएँ और पार्टिसिपेट करें हमारे साथ, ठीक है जी। जूम लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको, और जूम लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं मिलेगा तो मुझे आप अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं इसको बंद कर रहा हूँ।